इमरान खान का तो तोशाखाना मामला आपको याद ही होगा, जिसमें उन्होंने अन्य देशों से मिले गिफ्ट्स को बेच डाला था। वैसा ही कुछ मामला अमेरिका में भी देखने को मिला था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी आरोप लगा था कि उन्होंने 2.6 करोड़ रुपए के गिफ्ट का खुलासा नहीं किया। इन उपहारों में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और यूपी के सीएम आदित्यनाथ द्वारा दिए गए गिफ्ट भी शामिल थे। हालांकि इन सब के बीच ट्रंप को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एडल स्टार से यौन संबंध को छिपाने के लिए पैसा देने के मामले में ट्रंप जेल जा सकते हैं। न्यूयॉर्क की मैनहट्टन ग्रैंड जूरी ने ट्रंप पर मुकदमा चलाने का फैसला लिया है। ट्रंप के खिलाफ हश मनी इंडिक्टमेंट का केस लगाया जा रहा है, जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने एडल्ट मूवी स्टार टॉमी डैनियल से अपने संबंधों को छुपाने के लिए पैसे दिए थे ताकि वो किसी को कुछ ना बताएं। हालांकि टॉमी डैनियल्स ने एक इंटरव्यू में ट्रंप से न केवल अपने अफेयर के बारे में बताया बल्कि ट्रंप पर दर्जनों आरोप भी लगा दिए। ऐसा बताया गया कि साल 2016 में पॉर्न स्टार टॉमी डैनियल्स को $130,000 दिया गया था। टॉमी को ये पैसा ट्रंप की तरफ से दिया गया था। इन पैसों का भुगतान गैर कानूनी नहीं था, लेकिन जिस तरीके से भुगतान किया गया उसे गैर कानूनी माना गया। ट्रंप के वकील ने यह रकम गुपचुप तरीके से टॉमी को दी थी। आरोप है कि इस पेमेंट को गलत तरीके से पेश किया गया। ऐसे दिखाया गया जैसे ट्रंप की एक कंपनी ने भुगतान एक वकील को किया। अब इन्हीं सब बातों को देखते हुए ट्रंप पर क्रिमिनल केस चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति होंगे जिन पर क्रिमिनल केस चलेगा। इसी के साथ ट्रंप को 4 अप्रैल तक मैनहट्टन कोर्ट में सरेंडर करने को कहा गया है, जिसके बाद उन पर लगे और आरोपों का भी खुलासा होगा। हालांकि ट्रंप सरेंडर करेंगे या नहीं इस बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन उनकी तरफ से खुद को निर्दोष बताया जा रहा है। ट्रंप का कहना है कि मौजूदा सरकार उन्हें फंसा रही है ताकि वो चुनाव ना लड़ पाए। ट्रंप ने अपने कैंपेन की शुरुआत भी कर दी है। ट्रंप के लिए डोनेशन जुटाने वाले कैंपेनर्स का कहना है कि महज 24 घंटे में मिले $4 मिलियन के डोनेशन से ये पता चलता है कि अमेरिकी नागरिक ट्रंप के समर्थन में है और वो ट्रंप के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अपमानजनक हथियार के रूप में देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने ट्रंप पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप 4 अप्रैल तक सरेंडर करते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।